पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मंगलवार को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से मुगलपुरा थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण को निशाना बनाकर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि रामगंगा नदी के किनारे राकेश कुमार की ओर से किए गए अनाधिकृत निर्माण का ध्वस्तीकरण पीएसी फोर्स के सहयोग से किया गया। बताया गया कि अब तक जिन अवैध निर्माणों को सील बंद किया गया है उन सब की पुनः जांच कराई जा रही है। जिन निर्माणों पर सील नहीं है या जिन निर्माणकर्ताओं द्वारा अपने निर्माणों की सील को अनाधिकृत रूप से क्षतिग्रस्त किया गया है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रजापति जी, कौन सा क्षेत्र लगता है और क्या हुआ बताएं जरा पूरा। लालबाग रामगंगा कॉलोनी लगती है। हाँ भाई, एमडीए कहती है कि ये अवैध है। अवैध तो 99% शहर अवैध बना हुआ है। एमडीए ने कितने शहर के अंदर नोटिस देके कितने मकान तोड़वाए उसकी जानकारी क्या एमडीए दे सकता है? अगर दे सकता है और जो अवैध है शहर के अंदर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? सिर्फ यहाँ गरीब लोगों पे ये कार्रवाई क्यों होती है? आज कार्रवाई जो हुई है कैसे हुई है और क्या कोई नोटिस है? कोई नोटिस नहीं, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं, उसके बावजूद जो है ये तो एक तरफा कार्रवाई करी गई। अधिकारियों ने कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया, कोई जवाब नहीं। अच्छा, यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी मकान बन रहे हैं। हाँ। तो उसके लिए क्या मतलब क्या कैसे स्वीकृत किए जाते हैं वो पैसा? वो स्वीकृत पहले बिना मतलब की अब तो जो है उसमें नक्शा लगाना पड़ गया और रजिस्ट्री लगानी पड़ रही। पहले बिना नक्शे और रजिस्ट्री तक के बन गए हैं। तो अब ये बताइए जब वो अवैध है तो सरकार ने उनका अनुदान क्यों दे दिया? अच्छा, अनुदान लेने में कोई घपला बता रहे हैं कि आपको? इसकी तो जिम्मेदारी पार्षद की है। और फिर दूसरी बात, जो उसमें अधिकारी हैं उनकी है। सब इनवॉल्व होते हैं, पार्षद ही नहीं है, सभी इनवॉल्व हैं ऊपर से नीचे भाई। जो जितने अधिकारी हैं उसके अंदर डूडा गए या इनके, तभी तो वो इन्वॉल्व है। गरीब आदमी को क्या पता बिना पढ़े लिखे को। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।